फाइनली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ इतिहास से, जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आते ही हैं। यहाँ से छत्तीसगढ़ की जनजाति से कल क्वेश्चन देखे थे, आज आपका छत्तीसगढ़ इतिहास है। जो लोग हॉस्टल वार्डन या फिर एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए या फिर हॉस्टल वार्डन की तैयारी करने वाले उन युवाओं के लिए एक विशेषकर व्यापम पीएससी की क्लास लेकर आया हूँ हॉस्टल वार्डन की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही एग्ज़ाम 70% गारंटी देता हूँ ऐसे ही एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाली है। अगर आप हॉस्टल वार्डन या फिर एसआई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लासेस कराया जा रहा है, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जा रही है, ठीक है। आज हम 50 एमसीक्यू देखेंगे, कितने एमसीक्यू 50, जो कि डेली क्लासेस कराया जा रहा है। 20 नवंबर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल क्लासेस प्रारंभ की गई है। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्लेलिस्ट पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पर पूरा आपको क्लासेस रिवाइज आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को पूरा कंटिन्यू क्लास संपूर्ण कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्लास स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला क्वेश्चन CGPSC 2005 में आया हुआ है। जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ PSC और व्यापम में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो कि आपके विगत वर्षों के हैं, कई बार रिपीट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भोरमदेव मंदिर का जो निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है, तो भोरमदेव मंदिर का जो निर्माण हुआ था आपका 11वीं शताब्दी में हुआ था। कौन से सन में? 11वीं शताब्दी में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 11वीं शताब्दी, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक प्रतापी कलचूरी नरेश निम्नलिखित कौन सा था, तो सबसे ज़्यादा प्रतापी जो कलचूरी नरेश था आपका जाजल्यदेव फर्स्ट है, यानी कि जाजल्यदेव प्रथम है, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप चलिए इसका देखिए, ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट है आज की टोटल 50 MCQ का, ठीक है। हॉस्टल वार्डन में छत्तीसगढ़ से बिल्कुल पूछे जाते हैं प्रश्न, एसआई में भी पूछे जाएंगे, यानी कि सब इंस्पेक्टर में, ठीक है। किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकूल नामक संस्था के अधीन था? मैं कंप्यूटर की क्लास शाम 5 बजे करा चुका हूँ और गणित की क्लास आज आने वाली है, गणित की क्लास आज आने वाली है, ठीक है। 5 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकूल नामक इस संस्था थे, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिएगा। क्या आएगा? कलचूरियों के, मराठों के या फिर अंग्रेजों के, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्या आएगा आंसर है? बहुत लोगों का आंसर आ रहा है कलचूरियों के, बिल्कुल सही है कलचूरियों के। छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नर नारायण मंदिर बनवाया था, ये आपका कहाँ आ जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। रतनपुर, खल्लारिया, तुम्हार, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में जो देवपाल मोची जी हैं वो कहाँ पर नारायण मंदिर को स्थापित किया था, आंसर भी बहुत लोगों का आ रहा है। राकेश, रिजवान, राहुल, कुरेशी, क्या कुरेशी लिखते हो, राजवान कुरेशी ना। चलिए इसके बाद क्या है आपका, मंजुलिका, मंजुलिका बिल्कुल सही है, और सीमा का भी आ रहा है बिल्कुल सही, और क्या नाम है इसका, निशा साहू, निशा साहू का भी आ रहा है सही, और राहुल पटेल का भी आ रहा है, अजय अग्रवाल का भी आ रहा है, महेश पटेल का भी आ गया आंसर। चलिए बहुत लोगों का आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, आंसर बी होगा, ठीक है। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कलचूरी वंशी शासक ने राजधानी को रतनपुर से कोसंगा स्थापित किया था या स्थानांतरित किया था, ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको वारेंद्र है, वारेंद्र, ठीक है। इसके बाद मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ विगत वर्षों से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। काव्य एवं तर्कशास्त्र के विद्वान पंडित शशिधर को निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया गया था, जल्दी से बचाइए, ये आपका आंसर ये है कलचूरियों ने, ठीक है। इसके बाद नागवंशी के पतनोवराम बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी, जल्दी जल्दी क्लासेस करते रहिएगा, मैं डेली क्लासेस करा रहा हूँ, ठीक है। टोटल आज हम 50 MCQ देखने वाले हैं, ठीक है, 50 MCQ देखने वाले हैं, तो जल्दी से क्लास स्टार्ट कर दिया गया है तो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नागवंशियों के पद्मोपरांत बसर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई है, तो इसका आ जाएगा काकतीय वंश, क्या आ जाएगा, काकतीय वंश, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी क्लास करते हैं, देखिए कंप्यूटर की क्लास होनी है शाम 5 बजे,
हाँ डेट चेंज किया है, ठीक है, डेट ये 20 नवंबर से प्रारंभ है, ठीक है, 20 नवंबर से बिल्कुल नई बैच प्रारंभ किया गया है। कल्याण सहाय किस सम्राट का समकालीन था? जो कल्याण सहाय है अकबर का है, अकबर, इसको नोट कीजिए, कल्याण सहाय किस सम्राट का समकालीन था? अकबर के समकालीन था। शुद्धादैत मत के प्रवर्तन, यहाँ पर महाबलिपुर वज्र के जन्म स्थल है चंपारण, ठीक है, कौन सा है? चंपारण, आंसर डी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली है? तो ये किसने सत्ता संभाली है? मराठों ने, ठीक है, कलचुरी के बाद, जैसे ही जस्ट कलचुरी की सत्ता खत्म हुई उसके बाद मराठों ने स्थापना किया, ठीक है, मराठों ने स्थापना की है। देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, छत्तीसगढ़ में सीएमओ 2010 में आया हुआ था, चलिए इसका आंसर क्या आएगा? कूटबंधा में। कलचुरी प्रशासन में राजा का अधिकार सीमित थे, या फिर प्रशासन के विभागों का दायित्व अमल्य दंड मंडल था, या फिर राज्य गढ़ों में विभाजित तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते हैं, तो कौन सा आएगा? 1, 2, 3 या 1, 2 या 1, 2, 3? तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है छिंदक नागवंश का शासनकाल कौन सा है? तो छिंदक नागवंश का शासनकाल मैं पिछले वीडियो में बताया था, तो 1023 ईसा से 1324 तक, ठीक है, ऑप्शन कौन सा में दिख रहा है? ये ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है, छिंदक नागवंश का शासनकाल, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा गंगा महादेवी का एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो गंगा महादेवी है आप सभी को पता है, बारसूर। अब बारसूर किस लिए प्रसिद्ध है? मामा भांजा का मंजीर कहाँ है, जल्दी बताइए, मामा भांजा का मंजीर, ये पहले बताइए, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। हाँ, ताता पानी क्यों प्रसिद्ध है? ताता पानी क्यों प्रसिद्ध है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ताता पानी क्यों प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए काकतीय शासक कौन है? ये सभी है, काकतीय शासक कौन है? अन्नमदेव, हमीरदेव, भैरमदेव, ये तीनों ही हैं, इसमें सभी आएगा आंसर, ठीक है, काकतीय शासक है। इसके बाद है निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ये वाला एग्जाम में नहीं आया, चलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव, जुगपाल लिख दिया है, ये जगपाल देव है, ठीक है, जगपाल देव हैं, जो दे राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्वार कराया था, सीएमओ 2010 में आया हुआ प्रश्न है, ये पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया था, किसने, सॉरी पृथ्वीदेव द्वितीय ने करवाया था, रतनपुर के कलचुरी राजा सेनापति जो जगपाल देव है उसको राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्वार करवाया था पृथ्वीदेव द्वितीय ने, ठीक है। और छत्तीसगढ़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? खिलजी ने, खिलजी वंश, आप सभी को पता है ना खिलजी वंश। मैं कल आपको क्लास कराऊंगा शाहजहां से और ये अकबर वाली क्लास से, ठीक है, अकबर वाली क्लासेस कल के वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का पहला मुस्लिम आक्रमण कहाँ किया था? महमूद खिलजी ने। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस फणी नागवंशी शासक ने करवाया था? भोरमदेव मंदिर का निर्माण गोपाल देव, कौन है? गोपाल देव, ये एग्जाम में आता है और इसको रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, रट लो। भोरमदेव मंदिर का जो निर्माण किस फणी नागवंशी शासक ने करवाया था? तो आपका भोरमदेव, सॉरी गोपाल देव ने करवाया था, ठीक है। अब मड़वा महल को क्या कहा जाता है? शिव मंदिर। मड़वा महल को शिव मंदिर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शिव मंदिर, ठीक है। जो मड़वा महल है शिव मंदिर का निर्माण किस फणी नागवंशी शासक ने करवाया था? तो आप याद कर लीजिएगा, रामचंद्र, रामचंद्र ने करवाया था, किसने? रामचंद्र ने, मड़वा महल। और आप सभी बताइए मड़वा महल क्यों प्रसिद्ध है? मड़वा महल क्यों प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइएगा। रत्नदेव का शासनकाल में आप सभी को बताया था पिछली कक्षाओं में, 1040 से 45 ईसा पूर्व, ठीक है, 1040 से 45 ईसा पूर्व रत्नदेव का शासनकाल। इसके बाद है लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? प्रताप मल्ल ने, बिल्कुल सही आंसर आया है, राकेश का आ गया आंसर, और शीला मीना, राहुल प्रतापी का भी आ गया आंसर, ठीक है, और क्या नाम है इसका, प्रसाद, क्या प्रसाद, गंगा प्रसाद, ठीक। और ये आपका आ जाएगा कौन सा, महिपाल, कहाँ रे कहाँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। रत्नदेव तृतीय कैसा होगा? यहाँ पर लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार पूछा हूँ तो आप रत्नदेव तृतीय लगा रहे हो, प्रताप मल्ल होगा, आंसर बी होगा, बिल्कुल गलत है तुम्हारा। चलिए छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था? इनका तो सभी आंसर आना चाहिए, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था? कलचुरी, मराठा या अंग्रेज? बिल्कुल सही आ रहा है, मराठा, कहाँ से मराठा आएगा यार, तू भी आंसर आएगा, कलचुरियों ने किया था, छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी अवधि तक शासन कलचुरी ने किया था, ठीक है, आंसर ए होगा मीना। कैसे कैसे गलत गलत बता रहे हो, पहली बार क्लास में आया हो क्या? डेली क्लास करिएगा, डेली क्लास करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है।
डेली क्लास करते रहो, बिल्कुल समझ में आएगा यह क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये हॉस्टल वार्डाना और एसआई भर्ती दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है, ठीक है। डेली क्लास 7 बजे की क्लास चल रही है, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्या नाम है? रेखा। रेखा जी सुनो, यहाँ पर 7:00 बजे क्लास आने वाली है, ठीक है, और गणित की क्लास जो है 5 बजे आने वाली है, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत लोगों को टाइम पता नहीं होता, ठीक है, मैं आज सभी को टाइम बता रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। देखिए इस टाइम में आप लोग डेली क्लासेस करिएगा, 5 बजे शाम को मैथ्स की क्लास, ठीक है, मैथ्स की क्लास आती है 7 बजे शाम को, छत्तीसगढ़ की क्लासेस स्टार्ट आती है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, और आपका कंप्यूटर का भी 7 बजे ही आता है, 7:30 के बीच आ जाता है, ठीक है। और गणित की क्लास में आप सभी को बता रहे हूँ डेली क्लासेस चल रहा है, उसमें 20 नवंबर से प्रारंभ है, बिल्कुल नई बैच चल रहा है। अगर आप पुराने वीडियो और देखना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल का, तो प्लेलिस्ट पर जाइए, पूरा क्लासेस में अपलोड कर दिया हूँ, डेली क्लास टू क्लास में डेली क्लासेस करा रहा हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। ये देखिए प्लेलिस्ट में, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा मैथ्स एजुकेशन बाई रुपेश, इस नाम से आपको मिल जाएगा, या फिर एट द रेट करके सर्च कर लीजिएगा, सबसे ऊपर लिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, तभी आपको मैसेज मिल जाएगा मैं क्लासेस करा रहा हूँ उनका। हाँ, लाइक कर दें, बिल्कुल कोई बात नहीं, लाइक किए हो करते जाइएगा, ठीक है। डेली क्लासेस कराए जा रहे हैं, जितने भी एक बार बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो हमारे चैनल को आप अभी देख रहे हो उसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ का वास्तविक जो राजनीतिक इतिहास था, किस राजा की स्थापना के साथ आरंभ होता है, जल्दी बताइए। आप सभी को मैं हाल ही बताया हूँ कलचुरी, जो छत्तीसगढ़ का वास्तविक होता है राजनीतिक इतिहास, वो कलचुरी नदी से स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नलवंशी यानी कि नागवंशी राज्य का अंत किसने किया है? बस्तर का जो कोरापुट का नलवंशी किसने किया है? यादवों ने? नहीं, कलचुरी ने किया है। आंसर ये आएगा बी, कौन सा, किसका, किस, चलिए कितने लोगों का आंसर आया, चलिए कमेंट करें। तो बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नलवंशी, एक मिनट ना, इसका आंसर कितने लोग दे रहे हैं, चलिए बताइए। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नागवंशी राज्य का अंत किसने किया, जो नल नागवंशी है उसका राज्य का अंत किसने किया है, पोलिंग वोट करते हैं, चलिए ए बी सी या डी पोलिंग वोट करते हैं, किसका किसका आंसर कितना ज़्यादा आता है, चलिए देखते हैं। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नागवंशी राज्य का अंत किसने किया है, चलिए आप सभी को मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ, 30 सेकंड का, चलिए। हाँ चलिए, आपका समय समाप्त तो होता है, चलिए आपका समय समाप्त तो होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं किन लोगों का आंसर आया है, ये 20% आंसर किसका आया है, ए, 10% बी, 6% सी, इसका 0 है, यानी कि आंसर ए आना चाहिए, है ना। चलिए बिल्कुल सही है, जिन लोगों का आंसर ए आया है बिल्कुल सही है। चलिए इसका आंसर आप बताइए, इसका पोलिंग वोट करते हैं, चलिए आप सभी को 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट का आपको समय दिया गया है, जल्दी से पोलिंग करके बताइए किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर यानी कि कुबेर का नगर की उपमा दी गई है, चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर यानी कि कुबेर का नगर की उपमा दी गई है, क्या आएगा, तुम्हार, रतनपुर या रायपुर, चलिए आप लोगों का समय समाप्त होता है। बिल्कुल जिन लोगों का आंसर जो रतनपुर आया है, रतनपुर ऑप्शन बी आया है, उन लोगों का सही है। कितने लोगों का आया है यहाँ पर, 7% लोगों का आया है, बाकी 3% ए आया है, और रायपुर को कोई पूछा भी नहीं है, चलिए ठीक है। ये 7% बहुत ही कम परसेंट आ रहा है तुम लोगों का, पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या घर में, पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या घर में,
चलिए इसका पोलिंग वोट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन लाया हूँ, रतनपुर के कलचौरी शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ये एग्जाम में कई बार आया है, हॉस्टल वाडाना में भी आ चुका है, और ये आपका मंडी निरीक्षक में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, और ये पिछले वर्ष 2018 का क्वेश्चन भी है। ये रतनपुर के कलचौरी शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? कलिंगराज, कमलराज, राजराज, क्या है? जल्दी से बताइएगा, एक मिनट का समय देता हूँ आप सभी को, एक मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से बताइएगा रतनपुर के कलचौरी शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? हाँ जल्दी से, अभी कमेंट आ रहा है, देखिए ये जो को आंसर है सभी को पता है, मतलब जैसे कि 27 का क्वेश्चन देखे थे हम अभी हाल ही में, 27 का क्वेश्चन देखे थे, उसमें 7% लोगों का आंसर आया था, जबकि इसमें 85% लोगों का आंसर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 85% का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर है देखिए, सब ऐसी तुक्का लगा रहे हो क्या? कलिंगराज कलिंगराज करके ऐसे थोड़ी ए मार रहे हो। चलिए समय समाप्त होता है, रतनपुर के कलचौरी शाखा के वास्तविक संस्थापक कौन है चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही है आपका, ए आएगा आंसर, 85% लोगों ने यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है, और 35% आंसर बी को दिया है, जबकि राजराज 0.01% है। चलिए एक और है इसका भी, आप चलिए बताइए आंसर क्या आएगा। रतनपुर के कलचौरियों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? रतनपुर के कलचौरियों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, एक मिनट का आपको समय दिया जा रहा है, एक मिनट का। चलिए तुमार, रायगढ़ या रायपुर? 90% आंसर ए आया है और 70% बी आया है, सी आपका 85% आया है। मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी नहीं पूछा हूँ बेटा, देखिए यहाँ पर रतनपुर की कलचौरियों की प्रारंभिक राजधानी पूछा हूँ। 85% कैसे आ गए समझ में नहीं आ रहा, भी आंसर सी लेकर आया है, 85% आंसर सी आ रहा है, जबकि आंसर ए में आपका 90 आ रहा है, और ये क्या बोला जाए तो रायगढ़ 70% आ रहा है। मतलब 5% कम, यानी कि यहाँ पर क्या लगा रहे हो, क्या सोच कर ये रायपुर लगा रहे हो भाई? अब देखो ये जो हुआ था ये अब 90 ही है, लेकिन जो सी आंसर आ रहा है 95% आ चुका है, यानी कि रायपुर को सभी आंसर दे रहे हैं, क्या तुक्का लगा रहे हो क्या? कुछ भी, ये घट गया, देखो आंसर ए कितना लोगों दिया है 85%, और आंसर सी कितने दिए 95 लोग दे रहे हैं, और आंसर बी कितने लोग दे रहे हैं 75 हो गया। देखिए कैसे कैसे पोलिंग बूट कर रहे हैं भाई, इसका कम है, इसका सबसे अधिक है, और इसका इतना ही है, क्या पोलिंग बूट है, क्या आएगा आंसर? चलिए एक मिनट का और आपको समय दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा और आंसर लगाइए ना। देखिए रतनपुर के कलचौरियों की प्रारंभिक राजधानी पूछा गया यहाँ पर, तो जितने लोग आंसर ए में गए हैं बिल्कुल सही हैं उन लोगों का आंसर, ठीक है, जितने भी इस एक मिनट ना, जितने भी ए में आंसर गया है बिल्कुल सही है, रतनपुर के कलचौरियों की राजधानी रतुमाड़ है, और जितने लोग सी ऑप्शन में गए हैं रायपुर में, वो बिल्कुल गलत है, ऐसे एग्जाम में आपको गलत होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए तो आप कमेंट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, 30 MCQ करा चुका हूँ आज, ये आपका ऑनलाइन टेस्ट था, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट था, इसके विनर कौन, कल के विनर कौन बने हैं? राहुल गुप्ता, राहुल गुप्ता जी हैं पहला नंबर में आए हैं टॉप में। वहरेंद्र का शासनकाल क्या है? टॉप में आए हैं, यहाँ पर टॉप 10 में क्वेश्चन देखे हैं थे कल के लिए। सेकंड में कौन आया? सेकंड में क्या नाम है इसका, देखना पड़ेगा, ये मेरे को याद है राहुल गुप्ता फर्स्ट था, ठीक है। वहरेंद्र का शासनकाल क्या है जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इसका टाइम नहीं है आप सभी के लिए, ठीक है, लास्ट टाइम है, अरे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक मिनट का समय दिया जा रहा है, ठीक है। वहरेंद्र का शासनकाल क्या है? बहुत लोगों को आंसर ए आ रहा है,
और कितना आंसर आ रहा है? 70% आ रहा है इसका आंसर। और बी का कितना लोगों का आ रहा है? बी का आंसर आया है 65%। कैसे कैसे आंसर आ रहा है? इसका 65 आया है, इसका 70% आंसर दे रहे हैं, अब इसका तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। इसका आया है 95%। किसी को पता ही कि नहीं इसका आंसर। वहरेंद्र का शासन काल क्या है? कुछ भी आंसर दे रहे हो इसमें, कुछ भी तुक्का लगा रहे हो। अगर एग्जाम में ऐसी तुक्का लगाओगे ना, तो पॉइंट पॉइंट के हिसाब से आपका नंबर कम होगा पूरा। आप हाँ समझ में आ रहा है ना? सॉरी सर, कोई बात नहीं। चलिए क्या आएगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर। किसी को पता नहीं क्या? नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस लगाइएगा। किसी को पता है या नहीं? नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस कीजिए। जितने लोगों को पता नहीं है नॉन ऑफ दिस कीजिए। देखो कितने लोग डी डाल रहे हैं। डी आंसर सभी लगा रहे हैं। मैं क्या बोला हूँ? जिसको पता नहीं है यहाँ पर टिक लगाइए, नॉन ऑफ दिस कीजिए। नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस लिखिए वहाँ पर। जिनको भी पता नहीं है इसका आंसर, नॉन ऑफ दिस लिखिए जल्दी से। नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस लिखे यहाँ पर। जिसको पता है यस लिखे, ठीक है, नीचे में यस लिखे। जितने लोगों को पता है वह हरेंद्र का शासन क्या क्या है, यस लिखे और कमेंट कीजिएगा आंसर क्या आएगा। चलिए मैं आपको 50% चांस देता हूँ, 50% चांस दे रहा हूँ, ठीक है। 50-50 करते हैं क्या? चलिए देखिए, इस आंसर में आपको 50-50% दे रहा हूँ। जिन लोगों का आंसर ए और बी जा रहा है, मैं आप सभी को दोनों में से एक आंसर आएगा। और ये जो डी जा रहे हैं ना, बिल्कुल गलत है। कैसे कैसे हिसाब से लगा रहे हो भाई? वाजेंद्र का शासन काल क्या पूछा मैं? हाँ 50% दिया हूँ, दोनों में से एक आंसर आएगा। जितने लोगों को आंसर ए या आंसर बी, दोनों में से कमेंट करें कौन सा होगा। 50% दे दिया हूँ, आंसर बी आ रहा है, आंसर बी आ रहा है, आंसर बी आ रहा है, आंसर बी, आंसर बी। हाँ जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है यहाँ पर यस करके लिखते जाइए, और जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है वो नो करके लिखते जाइए। क्योंकि आंसर ए क्या है? गलत है, और आंसर बी सही है, 1480 से 1525, ठीक है। जितने लोगों का आंसर बी आया है उन लोग यस करके लिखिए, ये सभी के लिए, ठीक है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए क्वेश्चन आप सभी के लिए। चलिए होमवर्क, होमवर्क आप सभी के लिए, ये होमवर्क है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर क्या आएगा। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरबला, ये नरबला नहीं है, नरबला है, छोटा हो गया ना ये, यहाँ पर इसको कर देते हैं नरबली, ठीक है, नरबली है। एक मिनट ना, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है। जल्दी से क्या आएगा? बस्तर या करौंद क्या आएगा? या सी आंसर आएगा? कमेंट कीजिए। चलिए आप सभी कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आज के लिए इतना ही, ओके। क्लास करते जाइएगा डेली, आपको कल टेस्ट रहेगा, ठीक है। कल आपका टेस्ट रहेगा, टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, कल के क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। हाँ जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं या वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से जाइएगा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को लास्ट में, ओके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ सब्सक्राइब तो किए होंगे ना, जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं उसी को क्लास दिख रहा होगा। हाँ क्या आएगा? हाँ चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं वीडियो स्थगित कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को स्थगित कर रहा हूँ, मैं स्थगित कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए क्या आएगा आंसर, ए बी या सी क्या आएगा। हाँ चलो कमेंट करके बताइएगा, ओके, थैंक यू।